अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शबीना परवीन हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर। आज मैंने सोचा कि मैं आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं, और बहुत दिनों से आप लोगों से बात भी नहीं हुई। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, 9 बज रहे हैं। आज हम थोड़ा देर से उठे थे, 8 बजे हम उठे थे, और फिर फेस वॉश किया, चाय पी। तो अभी मैं अपने घर की क्लीनिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं और अपने जो डेली रूटीन है वो भी मैं आपसे शेयर करूं। और मैं आप लोगों को भी जानना चाहती हूं कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है और वही डेली रूटीन, सभी के घरों में सुबह सुबह क्लीनिंग ही होती है और नाश्ता बनता है। तो नाश्ता तो मेरी सिस्टर बना रही है और हम क्लीनिंग करने जा रहे हैं घर की। तो बस स्टार्ट करते हैं दिन, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो मैं अपने फेस की केयर करूंगी। तो ये एलोवेरा जेल है, जो घर का ही फ्रेश टूटा हुआ एलोवेरा जेल है वो, और गुलाब जल, इनको मैं मिक्स करके अपने फेस पर 1-2 मिनट तक के मसाज करूंगी और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर बाकी के सारे काम करूंगी। इससे ये मेरे फेस पे लगा रहेगा और फेस भी अच्छा और स्मूथ हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं अपने घर के काम। फेस पे जेल तो लग चुका है और मैंने गले पर भी लगा लिया है, क्योंकि दोस्त फ्रेंड्स, अब सिर्फ फेस पर ही लगाना ज़रूरी नहीं होता, गले पर भी। और मैं पार्लर में हूँ अपने, मैंने बताया था कि मैं एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, तो ये मेरा पार्लर है, मैं इसी में अपना ये कर रही हूँ। और अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो अब डस्टिंग स्टार्ट करते हैं।
फाइनली हमारी क्लीनिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं बर्तन धोएंगे। हम बहुत थक गए तो इसलिए बैठ गए, और घर काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है तो क्लीनिंग करने में थोड़ा थकान हो जाती है, तो अब हमने क्लीनिंग कर ली है। अब हम किचन में जा रहे हैं और बहन ने नाश्ता बना लिया होगा, नाश्ता करेंगे और फिर बर्तन धोएंगे। तो यहाँ पर मैं सेब ले आई हूँ, बहन ने काट के रखा था, तो सबसे पहले मैं सेब खा लेती हूँ और फिर उसके बाद, अभी नाश्ता बना नहीं है तो सेब खाकर मैं बर्तन जो पड़े हैं पहले मैं वो वॉश कर लूँगी और फिर जब नाश्ता बनेगा तो फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। बहन ने पराठा तो बनाया नहीं, वो दोपहर के लिए रोटी बनाने लगी और वो मेज़ पर चढ़कर रोटी बना रही है क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था, तो उससे खड़े बनाया नहीं जा रहा था, तो वो आराम से बैठ के मेज़ पर चढ़ के बना रही है और मैं सिंक में बर्तन वॉश कर रही हूँ। और जब उसकी रोटी बन जाएगी तब वो पराठा बनाएगी, तो तब तक मैं बर्तन वॉश करे ले रही हूँ। तो मैंने बर्तन वॉश कर लिया और बहन ने नाश्ता भी बना दिया है, तो उसने आज आलू का पराठा बनाया है। मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करके मैं कपड़ों में प्रेस करूँगी और सारा काम ख़त्म करके फिर नहाने जाऊंगी। आज मुझे मार्केट भी जाना था तो मैं यहाँ पर कपड़ों में प्रेस अपने कर रही हूँ और कपड़ों में प्रेस करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। मेरे कपड़ों में प्रेस हो गई और अब मैं नहाने जा रही हूँ बाथरूम में। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं नहा कर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम तैयार हो चुके हैं, तो अब हम मार्केट जा रहे हैं और फिर मार्केट में आपसे मिलते हैं। बोलना नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम जो है बाहर जा रहे हैं और मार्केट अब हम जाएंगे। ये मेरी गली है तो मैं इसी से गुजर रही हूँ और मार्केट में जाके आपसे बात करते हैं। यहाँ पर हम ऑटो में बैठ गए हैं और ये देखिए ये नीली साड़ी में सामने ऑटो पे किन्नर भी बैठे हैं और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो घर से तेलीबाग तक जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं और अब मैं ऑटो से जा रही हूँ। मार्केट में आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये मार्केट है और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं यहाँ से सामान लूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना जो हमें सामान लेना था ले लिया, अब हम प्लांट की शॉप पर आ गए हैं। अंकल नीम खली है? नीम खली नहीं है, प्लान के लिए नीम खली की ज़रूरत थी तो वही मैं पूछ रही थी। और मैंने कुछ बीजें भी ख़रीदी हैं जो कि लौकी, तरोई, कद्दू, करेला, ये सब की बीजें हैं क्योंकि मेरा छोटा सा गार्डन है तो मैं गार्डनिंग भी करती हूँ और वो सारी फरवरी गर्मियों की जो सब्जियां हैं उसकी बीजें हमने ली हैं। और ये वाले ये कितने के? ये तो 10-15 रुपये का है, 15-15 रुपये का। वो वाले दो, ये वाला लाल वाला दीजिए, ये लाल फूल जो है, अरे ये छोटे छोटे, ये ऊपर छोटे, हाँ ये दो बराबर। अब ये खिला कहाँ? ये अभी कब तक रहेगा? अरे ये चलेगा अप्रैल में। अप्रैल तक चलेगा? हाँ। इसमें कलर होगा। और कौन से कलर है? अब खिले नहीं लगेगा।
ये कौन सा कलर लाल है ये भी? ये हाँ लाल वाला है, ये सफेद निकले करेला। ये देखिए फ्रेंड्स, बीजेम ले रहे हैं गर्मियों की सब्जी की। और भिंडी भी है। ये तरोई कौन सी है? अच्छी वाली तरोई है ये लंबी? हाँ गलत सीजन है। और बीजे सारी अच्छी क्वालिटी की है ना? हाँ। एक बार हम ले गए थे वो लगी नहीं थी सही से। ये देखो सब ग्रो कंपनी के हैं। अच्छा, लौकी लंबी वाली, गोल लौकी नहीं है? गोल वाली, गोल वाली ज्यादा अच्छी बनती है। हाँ, नहीं ना। भिंडी, भिंडी रहने दीजिए। अच्छा भिंडी, तो मैंने यहाँ पे कुछ बीजे खरीदी हैं और नीम खरी मुझे मिली नहीं, तो मुझे दूसरी नर्सरी जाना पड़ेगा। लोबिया, तो अब मैं दूसरी नर्सरी जाऊँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये 20 रुपए की यही दे रहे सारी। बैंगन का 4 गड्डी।